व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है अजमल का अरेथा। इस परफ्यूम के बारे में जानेंगे, ये लेडीज़ के लिए है परफ्यूम, इसकी खुशबू जानेंगे, इसके नोट्स कैसे हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या लॉन्जेविटी है और कितना इसका प्राइस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप अंदर बने रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियोज़ को, तो शेयर भी करिएगा। एक नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काम अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कमी रहेगी, ताकि फ्यूचर में उस कमी को दोबारा दोहराया ना जाए। ठीक है, इसी जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो परफ्यूम मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, ये परफ्यूम का बॉक्स है, एक 20 ml की बॉटल है ये, इसका रिव्यू करेंगे। ये बॉक्स आपके सामने ओपन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी बॉटल, ट्रांसपेरेंट सी बॉटल है ये। तो इस बॉटल का रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसकी खुशबू के बारे में, कैसे इसकी खुशबू है। लेकिन पहले मैंने इस पूरे बॉक्स का रिव्यू किया है, इस बॉटल का पूरा रिव्यू किया हुआ है, आप चेकआउट करिए इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने परफ्यूम के बॉक्स की, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी हल्के येलोइश और यहाँ पे फूलों की इमेज का यूज़ किया गया है, हल्का सा नारंगी और येलो कलर की इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पे सिल्वर कलर में लिखा हुआ है अरेथा। अजमल का नाम है, 20 ml की बॉटल, आउट डे परफॉर्म, और उसके अलावा यहाँ छोटी मोटी जानकारी दी हुई है। प्राइस यहाँ पे चेक कीजिए, 600 का प्राइस है, यहाँ पे 600 का प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे दी हुई है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। छोटी मोटी जानकारी दी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये तो बॉक्स था, अब परफ्यूम का रिव्यू कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप परफ्यूम, ये बॉटल ट्रांसपेरेंट सी बॉटल है, छोटी 20 ml की बॉटल है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ब्लैक कलर का ढक्कन है, ये प्लास्टिक का ढक्कन। स्प्रे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये रिव्यू था बॉटल का और इसके बॉक्स का। तो अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। हो गया, इस बॉटल का रिव्यू तो हो गया, बॉक्स का भी रिव्यू कर लिया। अब जानते हैं इसकी खुशबू के बारे में, कैसी इसकी खुशबू है, क्या कंपनी मेंशन कर रही है और मैं क्या फील करता हूँ। बट पहले आपको बताता हूँ कंपनी क्या मेंशन कर रही है, क्या नोट बता रही है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, परफ्यूम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो टॉप नोट है वो पीच का है, साथ में बर्गामोट का है, और साथ में नाश्तरी जिसे पियर भी कहते हैं उसका यहाँ पे जो है खुशबू है। उसके अलावा जो हार्ट नोट है वो रोज़, लिमिंग और जैस्मिन का है, और जो बॉटम नोट है वो मस्क, सिडारवुड और विट्रीवर का है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो पीच है उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्टिव सी, एक मीठी सी खुशबू होती है, जो स्पेशली ऐसे परफ्यूम में यूज़ की जाती है जहाँ पे जो परफ्यूम स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा जो मिडल नोट है, जो आधे घंटे बाद आपको फील होता है, वो ऐसा खुशबूदार, मतलब जो फूलों की खुशबू है, ऐसी फूलों खुशबू दी गई है जिससे कि जो परफ्यूम लगाने वाला है उसके लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस हो। बहुत ही अच्छी खुशबू हो सकती है मेरे हिसाब से। चेक करते हैं, मैंने आपके सामने नोट तो बता दिए, अब चेक करते हैं कि मैं क्या फील करता हूँ, इसकी खुशबू को कैसे मुझसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने स्प्रे किया थोड़ा सा, ओके, काफ़ी मेस्मराइजिंग खुशबू है, पीच का काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, हल्की सी पीच की खुशबू के पीछे से बगामोट की हल्की सी फील आती है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक फीमेल को जैसी खुशबू चाहिए एक लग्जरियस फील देने के लिए, वैसी खुशबू है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया खुशबू है। मैं अगर एक बार में कहूँ तो डेफिनेटली, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आपको ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये काफ़ी बेहतरीन खुशबू है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। अभी जैस्मिन की
और थोड़ी सी गुलाबी खुशबू तो मुझे आई नहीं, जैस्मिन की और हल्की सी थोड़ी सी कैरामेल जैसी खुशबू मुझे फील हो रही है, थोड़ी सी मीठी खुशबू और थोड़ी थोड़ी सी जैसे नारियल के अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है उसकी हल्की सी खुशबू मुझे फील हो रही है यहाँ पे। मतलब आपको अगर मैं बताऊँ तो कोई जैसे आपने मीठी सी चॉकलेट खाई हो वैसी खुशबू है, काफ़ी मीठी सी खुशबू है, हल्की सी खुशबू है, माइल्ड सी खुशबू है। साथ में यहाँ पे जो फूलों का जो एक टच है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब इससे आप अगर आप एक कैटेगराइज करना चाहते हैं तो फ्रूटी और फ्लोरल ऐसी खुशबू में आप मेंशन कर सकते हो इसको। मतलब फ्रूटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पीच की मिठास बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे। अगर आपको पीच की खुशबू पसंद आती है परफ्यूम में तो ये परफ्यूम आपको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ खास है कि जो फूलों की खुशबू है वो आपको बहुत जल्दी यानी फील हो जाती है। मतलब अभी पीची खुशबू तो हल्की सी है बट यहाँ पे मुझे हल्की सी जैस्मिन खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, बट खुशबू जो है मीठी सी है, अच्छी खुशबू है। ये खुशबू ऐसी है अगर आप ऑफिस में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या कहीं भी सिवाय जिम के आप इस परफ्यूम को यूज़ करते हो तो लोग डेफिनेटली आपको नोटिस करेंगे और ज़रूर पूछेंगे खुशबू है कैसी। उसके अलावा अगर आपको इसको सर्दियों में ट्राई करना है, वैसे तो सर्दी गर्मी दोनों में ये खुशबू ठीक है, बट मेरे हिसाब से जैसा मैंने एक फीमेल को ट्राई करने दिया था, उनसे मैंने रिव्यू पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो खुशबू है ये 5 से 6 घंटे तक टिक गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपने बॉडी पे ट्राई किया था, फर्स्ट डे उन्होंने कपड़ों पे ट्राई किया था, सेकंड डे उन्होंने बॉडी पे ट्राई किया था, तो बॉडी पे ये आराम से 7 घंटे तक चल गई थी। लेकिन जो परफ्यूम उन्होंने स्प्रे किया था वो ज़्यादा किया था, मैं तो वैसे 5-6 स्प्रे ही रिकमेंड करता हूँ, बट उन्होंने ज़्यादा स्प्रे किया था जिसकी वजह से खुशबू ज़्यादा टाइम तक टिक गई थी। तो हो सकता है 8-9 स्प्रे करने से खुशबू ज़्यादा टिक जाए, वैसे ही खुशबू माइल्ड है बट आप ज़्यादा स्प्रे करोगे तो आपको हेडेक हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से 6 घंटे तक चल जानी चाहिए बॉडी पे भी और कपड़ों पे भी। बाकी आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में यूज़ कर सकते हो, जहाँ तक हो सके इसको पल्स पॉइंट पे यूज़ करिएगा। ये 20 ml की बॉटल है लेकिन ऑनलाइन आपको 100 ml की बॉटल 450 के आसपास मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आज का मेरा रिव्यू था अजमल के परफ्यूम अरिथा के ऊपर। इसके अलावा आपके मन में और कोई भी डाउट है इस परफ्यूम के रिगार्डिंग या किसी परफ्यूम के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।